पारक सिद्धांत नियम मानता है, और अगर आप ईश्वर कहना चाहें तो नियम को ईश्वर कह सकते हैं। ईश्वर को जानने का अर्थ होगा नियम को जानना, और ईश्वर की उपासना का अर्थ होगा नियम से चलना। जैसे अपने पेट के नियम को जानो कि कितना वो पचाता है और उसके अंदर खाओ, ये ईश्वर को जानना हुआ और ईश्वर की उपासना हुई। आपका पेट अगर दो रोटी पचाता है तो तीन रोटी न खाओ, और दो रोटी आप खाएंगे तो खुश रहेंगे। दो रोटी ही खाना, तीन न खाना, ये ईश्वर की उपासना हुई। अब आप चार रोटी खा लिए और कहो ईश्वर ईश्वर, पेट अच्छा नहीं होगा, खराब हो जाएगा। इसलिए ईश्वर शब्द से काम न चलेगा, नियम को पहचानो। सर्वत्र नियम है, नियम ही मानो ईश्वर है। नियमों का पालन करो। प्रकृति के नियम है और मनुष्य के नियम है। प्रकृति के जो नियम है वो स्वयंभू हैं, सब समय से हैं, और मनुष्य के नियम बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो जहाँ मनुष्यों के जो नियम है उसका भी पालन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ की सभा का नियम दिया गया कि 9:30 से 12 बजे तक होगा तीनों दिन दोपहर वाला, ये नियम दिया गया। ये नियम मनुष्य का बनाया है। गर्मी महीना हो तो 9:30 से नहीं, हम कहेंगे 8 से होगा 11 बजे तक। तो मनुष्यों के बनाए नियम बदलते हैं, लेकिन जहाँ नियम मनुष्य के जो हैं उनका पालन करना उस समाज का कर्तव्य है। परंतु जो शाश्वत नियम हैं वो प्रकृति के हैं। क्रोध करो तो चित्त जलेगा, चाहे आज चाहे कल, चाहे 10,000 वर्ष पहले, चाहे 10,000 वर्ष बाद, चाहे यहाँ, चाहे रंगून में, चाहे चीन में, चाहे जापान में, कहीं भी कोई क्रोध करेगा तो चित्त जलेगा। काम लिप्सा होगी, अंदर में असंतोष रहेगा, लोभ मोह आदि रहेंगे, मन विकृत रहेगा, उद्वेगित रहेगा। देवी देवता प्राणी हैं, सामने सब देवता बैठे हैं, उधर देवियां बैठी हैं, ये देवी देवता हैं। मिट्टी पत्थर के देवी देवता पूजने का निषेध है पारक सिद्धांत में। मिट्टी पत्थर के देवी देवता न पूजना। पारक सिद्धांत में केवल इतना ही आर्डर है कि महापुरुषों के संतों के चित्र दीवार में लगा दो, कोई हर्ज नहीं। लोग तमाम अंडबंड चित्र रखते हैं, तो संतों के चित्र रख दो, गुरु के चित्र रख दो, कबीर साहिब चित्र रख दो, बस दीवार में लगा दो, देखोगे तो मन प्रसन्न होगा। इतने भर है, उसकी आरती उतारना, अगरबत्ती जलाना, ये सब कुछ नहीं। अगरबत्ती सुगंधी के लिए घर में कहीं जला दो, आरती नहीं उतारना, बंदगी नहीं करना, ये सब कुछ है। बंदगी जो माता पिता हैं, बड़े हैं, गुरु हैं, संत हैं, उनकी करो। और देवी देवता असली ये प्राणी हैं, प्राणियों को देवी देवता समझो। कबीर जेती आत्मा तेते सालिक ग्राम, बोलनहारा पूजिए 500 क्या काम। साहब कहते जितने आत्माएं सब शालिग्राम भगवान हैं, बोलने वाले को पूजो 500 क्या काम। पत्थर पूज करके क्या होगा, जो बोलता नहीं है, डोलता नहीं है, उसकी प्रार्थना करके क्या मिलेगा। परमात्मा आत्मा है, आत्मा की पूर्ण शांति दशा परमात्मत्व है। जब आत्मा पूर्ण संतुष्ट हो गया वो परमात्मा हो गया। ये बात वेद शास्त्रों में भी कही गई है। कबीर साहब ने साखी ग्रंथ में कहा, नर नारायण रूप है तू जन जाने दे, नर नारायण रूप है इसको देह मत समझे। तो परमात्मा, प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा,
इन सारे शब्दों में आत्मा मूल है। प्रेत आत्मा, प्रेत विशेषण इसमें लग गया। प्रेत का अर्थ होता है जो चला गया है, शरीर छोड़ करके जो जीव चला जाता है तो उसको प्रेत आत्मा कहते, गया हुआ आत्मा। दुष्ट आत्मा का अर्थ है खराब स्वभाव का आत्मा। शुद्ध आत्मा का अर्थ है अच्छे विचार आचार का आत्मा। महात्मा का अर्थ है जिसने अपनी इंद्री मन को जीत लिया, वो महात्मा। और परमात्मा का अर्थ है गुणातीत आत्मा। यानी इंद्री मन तो जीता ही, सूक्ष्म आसक्ति भी जीत लिया, पूर्ण रूप से सब तरफ से निवृत्त हो गया, स्वरूप में स्थित वह परमात्मा है। महाभारतकार ने कहा है आत्मा क्षेत्र तुक्ता संयुक्ता प्राकृत तैर्गुण तैरेव तो विनिर्मुक्ता परमात्मे तो उदाहरता है। जब तक विषयों में लिपटा रहता है जीव तब तक इसको आत्मा या क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और जब विषयों से बिल्कुल छूट जाता है तब इसको परमात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा कहीं आत्मा से अलग नहीं है। जे खोजत कल्पो गया घटही माए सुमूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परि गई दूर। जिसको खोजते खोजते कल्पो बीत गए वो तो घट के अंदर है, स्वयं शुद्ध चेतन सत्ता के रूप में। बाढ़ी गर्भ गुमानते, गर्भ बढ़ गया और गुमान बढ़ गया। गर्भ का अर्थ है अहंकार, गुमान का अर्थ है भ्रम। ताते पर गई दूर, इसलिए दूर पड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। अपना जो अस्तित्व है, अपना जो स्वरूप, उसको न समझकर अपना प्राप्तव्य परमात्मा मोक्ष कहीं अलग मान लिया गया, इसलिए दूर पड़ गया। दूर है नहीं, जाने बिना दूर, जाने को नज़दीक। देखो निरंतर में अप्रोक्ष तस्दीक, ये निर्मल साहब ने कहा। न जानने के कारण दूर लगता है, जान जाए तो दूर नहीं, स्वयं हाजिर हुजूर है। साहब ने कहा हो हुजूर ठाड़ कहा तो ते क्यों धोखी जन्म गवाओ, हो हुजूर ठाड़ कहता हूँ मैं, खड़ा हो के कहता हूँ तो खुद हुजूर है, खुद स्वामी है, क्यों अपना जन्म धोखे में गंवा रहा है, बाहर खोज रहा है। ये सब निर्भ्रांत ज्ञान पारक सिद्धांत देता है, जिसका सूत्रपात सद्गुरु कबीर ने किया। वैसे इसके सूत्र सर्वत्र फैले हैं, वेद शास्त्रों में, अन्य अन्य ग्रंथों में सूत्र हर जगह हैं। श्री काशी साहब ने लिखा है कि जुग जुग से पारखी संत होते आ रहे हैं। उनका कहना भी बहुत दीर्घ दृष्टि पूर्वक है। पुराकाल में कपिल हुए, पतंजलि हुए, कणाद हुए, इन्होंने परोक्ष कल्पना नहीं की, आत्मा ही पर जोर दिया। पुराण तक में पारख के वचन जगह जगह मिलेंगे, कोई ग्रंथ हो सब जगह मिले, क्योंकि जीव का स्वरूप ही पारख है। तो परख की बात कहता है, भटका हुआ होने से पूरा पारख नहीं कह पाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, गोस्वामी जी ने कहा, ये पारख ही है। लेकिन उसमें वो टिके नहीं रहते हैं, फिर अलग चले जाते हैं, इसलिए गड़बड़ा जाता है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, निज सुख के बिना मन कहीं स्थिर होगा। निज सुख, आत्म सुख, आत्म संतोष का सुख हुए बिना मन स्थिर नहीं होगा, ये पारख है। चित जल पाव गगन समीरा, पंच रुचित यह अधम शरीरा, प्रगट सो तन तो आगे सोआ, जीव नित्य तुम कह लग रोआ। महाराज राम तारा को समझाते हैं बाली के मरने पर,
कि छित जल पावक गगन समीरा, मिट्टी पानी आग हवा इत्यादि से बना शरीर ये तो तुम्हारे सामने सोया है, तो कहीं गया नहीं है। और जीव अमर है, वो मरता नहीं, तो क्यों रोते हो? चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचितिया अधम शरीरा, प्रगट सो तन तो आगे सोवा, जीव नित्य तुम कह लग रोवा। ये बिल्कुल पारख है। तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जहां पारख के संकेत न हो, लेकिन लाभ तब होगा जब पूरा पारख हो। कुछ पारख कहा, कुछ बेपारख कहा, वो गड़बड़ा गया। कोई एक घंटा भाषण करे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अंत में जब उठने को भाषण से तो कह दे कि झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है, तो घंटा भर का भाषण बेकार हो। पंडितों ने लिखा मनुस्मृत में, न मांस भक्षणे दोषो, न मद्दे न च मैथुने, प्रवृत रेशा भूतानाम निवृत्तस्त महाफला। मांस भक्षण करने में कोई दोष नहीं, मैथुन में भी कोई दोष नहीं, शराब पीने में भी कोई दोष नहीं है। हाँ, इससे अलग रहे तो अच्छा है। तो ये राजाओं को खुश करने की बात है। पारख जब आदि से अंत तक हो तब तो ठीक, और बीच में गड़बड़ा दे तो ठीक नहीं। तो सदगुरु कबीर ने पारख कहा, पूरा बीजक देखो तो निर्णय है। वे कहीं नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा हो पूजना चाहिए, वो तो कहते जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणिक जाए और राधे कहना है। अगर तुम सच्चे ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मणी से पैदा हुए हो, तो भाई दूसरे रास्ते से आ जाते तो मैं जान लेता जन्म से तुम ब्राह्मण हो। सब तो एक दरवाजे से पैदा होते हो, तुम उसी दरवाजे से तुम भी पैदा हुए, तो कैसे ब्राह्मण हुए? मुंह से पैदा होते माता के, तब समझ जाता कि जन्म से ब्राह्मण है। ऐसा कहते जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणिक जाए और राधे कायना है। और इसके विपरीत पूरे बीजक में कहीं नहीं कहते, सब जगह कहते और के छे ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा, और के छूने से पानी छिड़कते हो, ओम अपवित्र अपवित्र हुआ, तुमसे कौन नीचे? कहीं भी विपरीत नहीं कहते हैं, इसलिए पूरा पारख है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाति पांत कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नरसो हैं कैसे, बिन जल बारित देखी जैसे। जात पांत गुण धर्म बढ़ाई सब बहुत हो, लेकिन अगर भक्तिहीन है तो शोभा नहीं देता। ये वचन पारख का है। लेकिन पूजी विप्रशील गुणहीना, शुद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, ये उल्टा हो गया, तो भाई ये चलेगा नहीं। ब्राह्मण को पूजो चाहे शील गुण से रहे तो, और शूद्र को न पूजो चाहे सद्गुण संपन्न, ये पारख के बिल्कुल उल्टा हो, बेपारख हो गया। इसलिए नीर छीर विवेक जिसमें पूरा का पूरा हो वो पारख है। कबीर वाणी ऐसी ही है, नीर छीर विवेक पूरा का पूरा। एक जगह में थोड़े लोग बैठे थे, बहुत पुरानी घटना है, कोई 35-40 वर्ष की, तो कबीर साहब की साखियों से मैं बोल रहा था। 25-50 लोग रहे होंगे, पढ़े लिखे लोग थे। तो मैंने अंत में कहा कि भाई जो प्रश्न हो करो। तो एक विद्वान हंसते हुए कहा, महाराज कबीर वाणी में कौन प्रश्न हो सकता है? तुलसी की वाणी होती तो प्रश्न हो सकता था, कबीर वाणी में प्रश्न नहीं है, वो तो साफ साफ है, और तुलसी वाला ही था। लेकिन गोस्वामी जी को जो मानने वाले हैं कि भाई गोस्वामी जी की बात, गोस्वामी जी हमारे श्रद्धेय हैं, गोस्वामी जी को हम भी श्रद्धेय मानते हैं, लेकिन जो बहुत मानते हैं कि वो जो कुछ कहेंगे सब सच रहेगा, वे भी समझते हैं सब सच नहीं है, इसलिए उनको भी शंका होती है। एक पंडित जी भागवत कथा कह रहे थे, तो ये अयोध्या के पास की घटना है। तो एक सज्जन आए, जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने कहा, महाराज
एक मुझे प्रश्न है रामायण में, तो पंडित जी ने कहा भैया हमें पूरे रामायण में प्रश्न है, हम प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, सुने ही नहीं कि क्या प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर हो ही नहीं सकता है। हमारा आधार है बीजक, बीजक के आधार पर कस के वाणियों को हम लेते हैं, क्योंकि बीजक कबीर का मुख्य ग्रंथ है, वो पारख बताता है। पारख कोई संप्रदाय नहीं है, पारख आपका स्वरूप है। आपके सामने पानी लाया जाए पीने के लिए और घास का कण उसमें पड़ा है, तो आप कहेंगे देखो ये पानी ठीक नहीं, आप परख लेंगे घास का कण है। चींटी भी चीनी और बालू में परख करके चीनी को ले लेती है और बालू को छोड़ देती है, चींटी में भी परख है, हर जानवर में परख है। अब उनकी परख की क्षमता कम है क्योंकि उनका यंत्र जरा दूसरे किस्म का है, मनुष्य का यंत्र विशाल है, ये खूब अच्छी तरह से परख सकता है। बंध मोक्ष खाद्य अखाद्य कर्तव्य अकर्तव्य को परख करके कर्तव्य कर्म करना अकर्तव्य न करना, बंधन का काम न करना मोक्ष का काम करना, ये परख अपने अपने ढंग से सभी करते हैं। भिन्न मत वाले भी अपने ढंग से वे भी परख की बात करते हैं। मैंने पहले कहा कि कोई ऐसा संप्रदाय नहीं जिसमें परख ना हो, पारख ना हो, सब में है, लेकिन पूर्ण पारख होने से कल्याण होगा, दुविधा न रहे, दोहरी बात न कही जाए, एक ही बात कही जाए, जो सत्य है वही कहा जाए, असत्य न कहा जाए। कबीर साहब की ऐसी महान क्षमता, त्याग, साहस अद्भुत, मरने जीने की चिंता नहीं, झूठ को झूठ सांच को सांच, पूरा का पूरा कहने वाला इस संसार में कबीर हुआ। अन्य भी महापुरुष झूठ को झूठ सांच को सांच कहे हैं, लेकिन अपने शास्त्र के प्रमाण में लपेट दिए हैं, परंपरा के मोह में झूठ का भी आश्रय ले लिए हैं। कबीर साहब ऐसा नहीं किए। मैं कबीर अनुगामी हूँ ऐसा कहता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, जो कबीर अनुगामी नहीं वो भी इस चीज़ को समझते और कहते हैं। कबीर साहब झूठ को झूठ सांच को सांच कहने में बिल्कुल निर्भय थे, और यह निर्भयता जो आग से वो खेले उस समय, मुसलमानों का राज था और उधर ब्राह्मणों का जलवा था, उस बीच में उन्होंने पूरा सत्य कहा, दोनों को फटकारा, वे मानो आग से खेले पूरा जीवन भर, और उसमें तप्त हो करके वे इतने कुंदन हो गए सुंदर कि आज पूरी दुनिया में उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है, लोगों को आश्चर्य होता है। उस जमाने में ऐसा कहना, लखनऊ का एक बोधक नाम का ब्राह्मण था, उसने कह दिया था कि जैसे इस्लाम वैसे हिंदू दोनों से कल्याण है, इतने पर उसको फांसी की सजा दी गई थी। मुसलमान बादशाह ने फांसी की सजा दी कि इस्लाम तो ईश्वर का रास्ता है और हिंदुओं का तो काफिरों का है, इससे कल्याण कैसे होगा, तो फांसी की सजा दी गई। और उसी समय कबीर साहब खूब डांट रहे थे, दर की बात कहो दरवेशा बादशाह है कौने भेसा, सुनत कराए तुरुक जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए, पहिर जने जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तूपाणी को खाया। साफ साफ कहने वाला महापुरुष, तो जो वह निर्भय होकर के कहे आज उसकी कीमत बहुत बढ़ गई, तभी से बढ़ी है, और उनके साहस पर लोग निछावर हो जाते हैं। उन्होंने भक्ति और भजन आत्मशोधन को माना,
गुरु संत महापुरुष माता पिता ये सबका आदर सेवा भाव तो भक्ति है ही, लेकिन अंतिम भक्ति है स्वरूप ज्ञान, स्वरूप चिंतन, स्वरूप स्थित आत्मकल्याण। और इसमें रोड़ा है आसक्ति मोह, इसलिए आसक्ति और मोह को काटने की वाणी उनकी पुष्कल है, बहुत है। उनकी वाणी वैराग से भरी हुई, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना, जीवन ऐसा जैसे सपना, बहुत दुख 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 की खानी तब बचियो जब रामे जाने। आज काल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर, कहें कबीर कस राखियो कांचे बासन ने। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, फिरो का फूले फूले फूले, राम नाम भज राम नाम बच्चे देख मन माही हो, लक्ष्य करो जोर धन गाड़े चलत डलावत बाही हो, दादा बाबा आओ परपाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भये हिव की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो, इस संसार सार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाही हो, नाता गोता कुल कुटुम सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। इस प्रकार वैराग प्रवण बात कबीर साहब की वाणी में क्यों ज्यादा है, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का मूल कारण है। आसक्ति कटे बिना जीव का मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय। वैकुंठ का अर्थ मैंने कल बताया था विकुंठा, विकुंठ रहना, कुंठा न रहना, मन में ग्रंथि वासना न रहना, वैकुंठ वास है। जिसके मन में कोई कुंठा नहीं, वासना नहीं, ग्रंथि नहीं, वो वैकुंठ वास कर रहा है। स्वर्ग, स्व ग स्वर्ग, स्व में गमन करे जो अपने में लौट आए वो स्वर्ग प्राप्त है। अपने स्वरूप में जो स्थित हो गया वो निरंतर स्वर्ग प्राप्त है। इसलिए साहेब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। इसी बड़ौद जिले में कबीर वड़ जहाँ है, तत्वा जीवा यहाँ साहेब थे, जब चलने लगे तो दोनों ने पैर पकड़ लिए। तत्वा जीवा ने कहा महाराज आपको हम चाहते हैं, आप यहीं रहें, हम सेवा करेंगे। तो साहेब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सब कामनाओं को छोड़ दो और मेरे समान निष्काम बन जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। तुम मेरे हाथ पैर पकड़ करके कहाँ तक बैठाए रखोगे? तो तत्ता जीवा ने कहा महाराज आप तो चले जाएंगे बनारस और हम यहाँ समुद्र के किनारे पड़े रहेंगे, कैसे कल्याण होगा? तो साहेब ने कहा जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। गुरु बनारस में रहें, शिष्य समुद्र के पास रहे, लेकिन सदगुण शिष्य में है तो भूलेगा नहीं, तुम घबराओ ना। तो उन्होंने कहा महाराज आप हमारा हाथ मड़ोड़ करके जा रहे हैं, हाथ छुड़ाए जा रहे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो साहेब ने कहा कहें कबीर पुकार के पिंडे हो कि जाए, बाह मरोरे जा तो मैं सोत लिए जगाए, कहें कबीर पुकार के पिंडे हो कि जाए, इसी पिंड में इसी शरीर में रहते रहते स्वरूप में स्थित हो जाओ नहीं भटक जाओगे। कबीर कहीं बाहर से आकर के मिलेंगे तुम्हें? जो विवेकवान संत हैं वे कबीर रूप हैं, उनका आदर करो। अवंत में कबीर तो आपका आत्मा ही है, जो काया में वीर चेतन तत्व है वही कबीर है, अपने में लौटो। साहब ये नहीं कहते हमें पूजो तो हम तुम्हारा मोक्ष करेंगे, वो कहते जैसे मैं निष्काम हूँ ऐसे तुम निष्काम हो जाओ तब तुम्हारा मोक्ष होगा। हर बात में साहब परख की बात करते हैं, और इसीलिए उन्होंने रास्ता भी दिखाया।
कहा कि कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे, अपने को कबीर पंथी कहे तो इसी से वो हमारा भक्त नहीं। माला पहन लिया, चंदन लगा लिया और टोपी पहन लिया, या मानो कबीर पंथ का वेश पहन लिया, लेकिन जो मैं उपदेश करता हूँ उस रहनी से नहीं चलता है तो हमारा वो साधक नहीं है, अनुगामी नहीं है। कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे, कबीर साहब कहते वही भक्त मेरा है, वही अनुगामी शिष्य मेरा है जो घर की रार निबेरे, जो अपने हृदय रूपी घर के झगड़ा को मिटा दे। और घर के झगड़ा को न मिटा पावे वो हमारा भक्त नहीं। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर की बात जितनी है सब परख से ओतप्रोत, परख पारख परीक्षा निर्णय विवेक, कोई भी उनकी वाणी को कसौटी से कस ले, अगर वाणी कच्ची है तो काट दे, कोई चिंता नहीं, और नहीं तो काटने वाली की कैंची कट जाएगी तो उसका तर्क ही कट जाएगा। विज्ञान आजकल भौतिक विज्ञान कितना आगे बढ़ा है, कबीर साहब का पारक ज्ञान इसी प्रकार आध्यात्मिक विज्ञान है। संतों में, धार्मिकों में, महात्माओं में कबीर साहब वैज्ञानिक है, बड़ा अद्भुत पुरुष। परख करके, जांच करके, कसौटी करके स्वीकारना, गलत हो तो हटा देना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, ये उन्होंने कहा। साधु सज्जन भक्त महात्मा वह है जो जैसे सूप स्वभाव होता है, सूप फटक देता है भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। इसी प्रकार जो असार को हटा देता सार को लेता है वो साधु है, वो सज्जन है। सबका कल्याण नीर छीर विवेक में, अंधविश्वास में पढ़ के कल्याण नहीं होगा। परंपरा का मोह, गुरु का मोह, शास्त्र का मोह, ये गलत है। कुलपुष, गुरपुष, वेदपुष, काम पशु संसार। कुलपुष का मतलब है कुल परंपरा में जो माना गया उल्टा सीधा सब करते जाना, कुल का पशु होना है। गुरपुष, गुरु हम किसी कर लिए और उल्टा सीधा करने वाला है गुरु, तो गुरु का पशु न बने, विचार करें। वेदपुष, वेद से अभिप्राय शास्त्र, शास्त्र में हमारे शास्त्र में लिखा है इसलिए हम यही मानेंगे, निर्णय नहीं करेंगे, तो एक शास्त्र का पशु होना है। और काम पशु संसार, काम वासना में पशु बन जाना, जड़ बन जाना। मानुषता को जानिए, जाए विवेक विचार, मनुष्य हुआ है जिसमें विवेक विचार हो, पशु स्वभाव न बने, विवेकी बने। पशु को जिधर हाँको उधर चले, ऐसे आपको कोई जिधर हाँक दे उधर ही चलो, ये ठीक नहीं है। तकलीफ हुई, पंडित ने कहा कि ग्रह टेढ़ा है, पूजा करवा लो। भुआ ने कहा प्रेत पकड़े हैं, झड़वा फूकवा लो। पंडा ने कहा हमारे तीर्थ माओ सब कट जाएगा, हम पूजा कर देंगे। एक बार रोटिया और पचासन है खवैया, इनके जेरा का लागल वह हजार। एक रोटी है पचासों खवैया, ये जीव को भटकाने वाले बहुत हैं। इतना दृढ़ रहो कि कोई भटका न सके, ये वीरता रखो। ऐसा विवेक अपनाओ कि आपको कोई भटका न सके। अंगूठियाँ लोग पहन लेते हैं, बताते हैं लोग कि ये धातु पहनोगे तो ये लाभ होगा, ये नग पहनो तो ये लाभ होगा। लाभ तो कुछ नहीं होता, गंदगी जमती है। हाथ से भोजन करना उन्हीं उंगलियों से, अंगूठी पहने उसमें गंदगी। कितने लोग तो दोनों हाथों में पहने रहते हैं, पूरे उंगलियों में, और एक एक उंगली में दो दो तीन तीन अंगूठियाँ भी पहनने वाले मिलते हैं।
उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती हैं। तो ये सब अंधविश्वास है। विवेकी बनो, विचारक बनो। जीवन का परम फल अनंत सुख की प्राप्ति है। जिस सुख में दुख ना हो अनंत सुख है। दुनिया के सारे सुखों में दुख है। पुत्र उत्पन्न होने में बड़ा सुख लगता है, फिर उसी पुत्र से आगे चल करके लोग झगड़ा करते हैं। पत पत्नी का मिलन हुआ, बहुत आनंद माने, फिर आगे कलह करते हैं। जिस सुख में लगो वो सुख पीछे दुख देता है, दुनिया का सुख। लेकिन जो आत्मिक सुख है, आत्म संतोष का सुख है, उसमें दुख नहीं रहता है। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। साहब कहते हैं संतोष संतोष में सुख है, अगर संतोष कर लो तो हृदय शीतल हो जाएगा।